एक बार फिर आपका जहां के लाजिम स्वागत है। मेरा नाम राजीव है, मैं लेके आता हूं करंट अफेयर और डेली अपडेट। और आज हम बात करने वाले हैं 25 जून 2021 की करंट अफेयर के बारे में। तो कैसे हैं आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में स्माइली या थम्स अप का सिम्बल सेंड करें। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 25 जून की है, तो और पुरानी चीज़ें भी लेके चलेंगे। जैसे आप 6 महीने का पुराना भी लेके चलते हैं, पुराना भी हम रिविज़न करेंगे। ये जो वीडियो जो बनता है, आप कभी नोटिस करना, मैं पुराना बार बार रिपीट करता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। क्योंकि तभी कहता हूँ पेन और कॉपी आप साइड से रख दें, सिर्फ सुनते रहें, बार बार रिपीट कराता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं करेंट अफेयर की, ठीक है। तो सबसे पहला एक टॉपिक है जो पहली बार हुआ है, ये हुआ है ICC टेस्ट वर्ल्ड कप, ठीक है। ये 2021 में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ पूरा डिटेल हम बात करेंगे। तो ये जो हुआ है ये साउथैम्पटन, ठीक है, ये जगह का नाम है साउथैम्पटन। अगर वो पूछे किस स्टेडियम में फाइनल हुआ है, ये स्टेडियम है, स्टेडियम, ये क्या है स्टेडियम। तो इस स्टेडियम का नाम है द रोज वाव। एग्जामिनर एक कदम आगे सोचता है आपसे, वो हमेशा यही बोलता है कि कभी कभी पूछ लेगा जो मैच हुआ था किस स्टेडियम में खेला गया था, और ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये पहली बार टेस्ट का वर्ल्ड कप हुआ है, सही है। तो एक और चीज ध्यान रखें, किन के साथ हुआ है, इंडिया के साथ हुआ है, और किसके साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ, सही है। अब जीता कौन है, न्यूजीलैंड जीता। अब यदि वो बात करें, यदि इसकी कप्तानी पूछ सकता है किसके, न्यूजीलैंड के, तो कप्तान जो है केन विलियमसन है, ठीक है। कप्तान कौन है, केन विलियमसन, और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो चुना गया है, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है वो कौन है, वो है काइले जेमिनसन। ये किसके हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यदि हम बात कर लेंगे, तो हो गया इसका ICC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, दुबई, और ये कहाँ आता है, संयुक्त अरब अमीरात। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है, ग्रेग वरकाले। ये किस देश से, ये नए हैं, एग्जाम में मिल सकते हैं, ये भी कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड। अब कोई भी देश आएगा उसकी राजधानी भी पता होनी चाहिए, इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन। और मुद्रा क्या है, यहाँ पर डॉलर चलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो ये चीज़ हम लेके चलेंगे। ICC का टेस्ट वर्ल्ड कप हुआ, किसने जीता, न्यूजीलैंड, उसके कप्तान कौन है, केन विलियमसन, किस जगह, साउथैम्पटन, और स्टेडियम का नाम क्या है, द रोज बाउल, ये हो गया। और एक और चीज़ है न्यूजीलैंड से रिलेटेड, आगे चलते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिए, यदि मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड की बात कर लेता हूं, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं वो महिला हैं। कौन है, महिला प्रधानमंत्री हैं। जो फोर्ब्स की एक सूची आई थी जिसमें क्या है, महिलाओं की सूची में सबसे टॉप पर सबसे शक्तिशाली कौन है, तो जो शक्तिशाली है जैसिंडा अर्डन, ये चीज ध्यान रखेंगे। महिला प्रधानमंत्री कौन है, जैसिंडा अर्डन, जो टॉप पर रही है, किस पे, महिला, शक्तिशाली महिलाओं में, सही है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ये तो हो गया न्यूजीलैंड का क्लियर। अब हम आगे चलेंगे, अब इसमें एक चीज है, जैसे एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
जो कि 2021 में हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहा है? जापान। अब 2024 की बात करें, वो कहाँ हो रहा है? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में होगा। ग्रीष्मकालीन की बात करें, इसमें भारत की तरफ से एक मतलब आधिकारिक गीत जो होता है, एक थीम सॉन्ग बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, लच तेरे सामने है। ये गीत है, किसने लिखा है मतलब किसने गाया है, मोहित चौहान। किसने गाया है? मोहित चौहान। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ओलंपिक के लिए लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे वर्ल्ड कप का एक थीम सॉन्ग आता है, ऐसे ही ओलंपिक के लिए भी क्या आया है, थीम सॉन्ग आया है। कौन सा आया? लच तेरे सामने। किसने गाया है? मोहित चौहान। देखो एग्जाम बहुत तेज खेलता है, और देखो ये समर को ही क्या बोलते हैं, ग्रीष्म, ठीक है। और यदि मैं बात कर लूँ किसकी, विंटर की, विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाला है, विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाला है, ये होगा आपका चीन में, लेकिन ये कब होगा, 2022 में। कहाँ पर होगा? 2022 में। दोनों में तो समझना, एग्जामिनर ने बोला कि विंटर ओलंपिक कौन सा देश होस्ट कर रहा है, पता चले कि आपके चर्चा में कौन सा चल रहा है, जापान ही चल रहा है, आप जापान पे टिक कराएं तो ये क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। और एक अच्छी बता दूं, 23, इसकी ईयर 1894 देख लेना। देखिए ये यहाँ तक हो गया, मैं थोड़ा अलग से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ओलंपिक दिवस किस दिन बनाया था, ओलंपिक दिवस बनाया गया वो किस दिन बनाया गया, ये बनाया गया है 23 जून को अभी बनाया गया, परसों ही, ठीक है, 23 जून को बनाया, क्योंकि ओलंपिक की जो स्थापना हुई 1894, देखो 1800 तो है, लास्ट भी 94 है या 96 देख लेना, जहाँ तक 94 ही है, थोड़ा सा ध्यान है, तो एक बार चेक कर लेना ओलंपिक, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ ऐसा लिखा हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, 23 जून को। अगर 23 जून की और बात कर ले तो एक ये है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, वो भी किस दिन, 23 जून। एक और बनता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, विडो डे, ये भी कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, 23 जून में बनता, सही है। अगर हम ओलंपिक के जो अध्यक्ष की बात करें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अध्यक्ष की बात करें थॉमस बक, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, थॉमस बक। एक चीज ध्यान रखना, कुछ लोग कहेंगे सर ये इतना सारा कैसे याद होगा, तो मैं जो वीडियो में बनाता हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो समझते हैं मैं क्या लेके चलता हूँ, पुराना मैं 6 महीने का लेके चलता हूँ, और जो आज पहली क्लास लेने वाले हैं वो सोचे कि कैसा याद होता है, तो आप बेफिक्र रहें, आप लगातार क्लास में बैठें, ये चीज़ मैं इतनी बार रिपीट कराऊँगा कि आपको बेसिक याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक दूसरे से लिंक करना सीख गए, कैसे बनाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम दोबारा समझते हैं, यही रिविजन होता है। ग्रीष्मकाल ओलंपिक जो 2021 में होना है, वैसे 20 में हो रहा था, कोविड की वजह से नहीं हुआ, अब 21 में हो रहा है, 24 में कहाँ हो रहा है आपका, फ्रांस में, यूएसए में 2028 का, कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। ये ग्रीष्म मतलब समर। एक गाना आधिकारिक सॉन्ग लॉन्च किया है भारत ने, वो क्या, लच तेरे सामने, इसके गायक कौन है, मोहित चौहान, सही है। अब यहाँ से हमने क्या ओलंपिक की बात होगी, क्वेश्चन भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कहाँ मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, 23 जून को। और भी कोई दिन मनाए जाते हैं, हाँ, तो वो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा, सिविल देश लोक सेवा दिवस, और राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है 23 जून को, समझना।
अब हम आगे की तरफ बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया ग्रीष्मकालीन, एक होता है विंटर। विंटर में क्या होता है, 2022 हो गया, 2022 वो बनेगा आपका क्या, चीन में, अंतर आपको समझना है। और इसके जो अध्यक्ष हैं थॉमस बक हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, एक और चीज और ध्यान रखना, एक है रोल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, किस एयरपोर्ट को चुना गया, भारत के किस एयरपोर्ट को चुना गया, वो है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को क्या दिया गया है, तो ये है आपका रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो कोचीन, कोचीन कहाँ आता है, केरल में आता है, केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, और सीएम है पिनराई विजयन। आप एक चीज नोटिस करते हैं, ये बार बार क्यों रिपीट कराता हूँ, आपको याद कराना है, सही है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर हम रोल ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करने वाला एयरपोर्ट कौन सा है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सही है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखिए एक और चीज मैं बता दूं, इसको मैं हटा देता हूं, एक होता है अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक, एक द्वारा संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया, पहली बार लगाया गया, ठीक है, तो ये जो लगाया गया है वो कौन सा है, असम, किस राज्य में लगाया गया पहली बार, तो ये असम, असम के जो राज्यपाल है वो कौन है, जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा। अब इसमें हम बात कर लें, सही है, हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ पर क्या है, पर्यटन संजीवनी योजना, एक है अरुणोदय योजना, ठीक है, यहाँ अभी सातवां राष्ट्रीय पार्क बना है, क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय पार्क बना है जे, एक ये बना है, इसका नाम है देहिल पटकई इट्टा है, और छठवा भी अभी अप्रूवल हुआ है, तो ये जो हुआ है ये है रायमोना, ठीक है, ये क्या है, रायमोना नेशनल पार्क, और भी हैं, ठीक है, लेकिन ये वाले इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये बना था, ठीक है, फिर उसके बाद ये बनाया राष्ट्रीय पार्क, कौन सा, देहिंग पट गई, आप टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो है मध्य प्रदेश में, दूसरे पे मतलब 10 है उसमें, फिर आता अंडमान निकोबार उसमें 9 है, और फिर तीसरा जो राज्य है जिसमें 7 है, ठीक है, पहला क्या है, मानस, काजीरंगा, नामोरी, ठीक है, देहिंग पट गई हो गया आपका, ठीक है, और इसके जो है मानस हो गया, काजीरंगा तो गेंडे हाथी के लिए, तो इसका ये वाले दो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये हाल ही में बनाए गए हैं, सही है। अब आगे की तरफ चलेंगे, अनुवांशिक रूप द्वारा संशोधित रबर का पौधा पहली बार कहाँ स्थापित मतलब लगाया गया है, वो असम में, असम में राजधानी, ये क्या, जगदीश मुखी राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, ये एक ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसमें अभिभावक मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, मतलब गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किए जाएंगे,
और इसमें क्या पर्यटन संजीवनी योजना, अरुणोदय योजना, ठीक है। अब सातवां भी हाल ही में राष्ट्रपाल कौन सा देंग पट गई और छठवां भी बना है, जून में बने हैं दोनों, जून में ही शुरुआत में बने हैं रायमोना नेशनल पार्क। बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए एक है कौन है, यूनिस खान। ये कौन है, बल्लेबाजी कोच, बल्लेबाजी कोच है। इन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा, इस्तीफा दे दिया है। ये किस देश से, तो ये क्या है, पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये इन्होंने क्या कर दिया है, मतलब इस्तीफा दे दिया, तो क्वेश्चन ये बन सकता है ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये किसके हैं, पाकिस्तान के। बात समझ में आ गई। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। सही है। अब देखिए अगले की बात करें, ई पाठशाला, ई पाठशाला और है ई मूल्यांकन, ठीक है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है, मतलब शिक्षा से संबंधित है। किस राज्य ने क्या किया है, ई पाठशाला या ई मूल्यांकन शुरू किया है, तो ये है कौन सा, उड़ीसा, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। एक इसमें जगह है राहुल केला, ये कौन सी जगह है, राहुल केला। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा, राहुल केला। और इसमें एक और चीज है, मू परिवार, मू सरकार, ठीक है, मू परिवार, मू सरकार, ठीक है। एक है समली पाल नेशनल पार्क, ये भी इसी में। एक स्कीम है कालिया बलराम, ठीक है, बलराम। और एक पोर्टल है परिश्रम, ठीक है। तो ये किसकी है, पोर्टल है किसकी, उड़ीसा की। मैं पिछला भी लेके चलता हूँ इसलिए आपको समझ में आता रहेगा। दोबारा समझ, ई पाठशाला ई मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में किस राज्य ने लॉन्च की, तो वो उड़ीसा, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल और ये कौन है, नवीन पटनायक। अब इसमें एक शहर है राउरकेला जिसमें भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने वाला है। अब इसमें क्या, मू परिवार, मू सरकार, कालिया, बलराम, परिश्रम, ये क्या है, स्कीम है किसकी, उड़ीसा राज्य की। इसमें एक सिमली पाल नेशनल पार्क है, सिमली पाल, हमने सिमली कर दिया, सिमली पाल नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, उड़ीसा में। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो एक चीज और ध्यान रखना, एग्जाम कभी भी वो करा सकता है, बीच में कभी भी करा सकता है जब लॉकडाउन खत्म होगा। वैसे लॉकडाउन अब तो खत्म ही हो गया है, लेकिन जब भी ये कोचिंग वगैरह शुरू होंगी तो वो ये नहीं कि आप एग्जाम के लिए वो रुकेगा, वो तुरंत एग्जाम कराया, घर पे भी आप पढ़ते रहे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, चलो आगे चलते, पहले बात हो जाती है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्या है, सबसे ज़्यादा दान करने वाला कौन सा व्यक्ति बना है, ठीक है। देखो पहली पद तो है टाटा समूह के संस्थापक हैं जमशेद टाटा, ठीक है। इनने क्या किया, 1.2 बिलियन अगले साल के लिए क्या है, बिलियन डॉलर दान करने वाले सबसे ज़्यादा डॉलर दान करने वाले कौन से हैं, टाटा समूह के कौन हैं, जमशेद टाटा ने दान किए। ये तो पहले नंबर पे। एक है मेलिंडा गेट्स,
फाउंडेशन, और दूसरे नंबर पे कौन है? फाउंडेशन। कौन सा है? फाउंडेशन। ये उस आगे आते बिल गेट्स की जो पत्नी है वो एक एनजीओ चलाती है जिसका नाम क्या है? मिलिंडा गेट्स। दूसरे नंबर पर दान करने में कौन सा? मिलिंडा गेट्स। कितनी है अमाउंट? कमेंट बॉक्स में लिखें यदि आपको याद है तो। पहले का तो आप याद कर ले, 102.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज़्यादा दान करने वाले कौन से व्यक्ति बने पिछले साल? तो जमशेद टाटा है, उन्होंने 102 ठीक है 10.4 बिलियन डॉलर दान किए। दूसरे नंबर पर कौन है? मिलिंडा गेट्स। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसमें जो इसके बाद एक और एक न्यूज है, एक बनना है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा है तो इसे चंद्र बोला है, अनुसंस्थान केंद्र ठीक है, ये चीन के साथ है। चीन के साथ कौन सा देश विकसित करने वाला है? मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र चीन के साथ कौन सा देश करने वाला है? तो ये जो करने वाला है वो है आपका, नीचे लिख दे रहा हूं, ये है रूस। कौन सा है? रूस। अब मैंने नीचे क्यों लिखा? ये दोनों मिलकर क्या बनाने वाले? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र। अब नीचे क्यों लिखा? चीन से रिलेटेड देख लेंगे, यहाँ पर जो राजधानी क्या चलती है? बीजिंग है, और यहाँ पर क्या चलती है? मुद्रा रेनमिनबी है ठीक है। भारत के साथ एक युद्ध अभ्यास है हैंड इन हैंड, सही है। रूस की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? मॉस्को है, यहाँ पर क्या चलता है? रूबल। और राष्ट्रपति कौन है? ये राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ, प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मुजिस्किन ठीक है। रूस के साथ होती है युद्धाभ्यास इंद्र, और एक होती है एविया इंद्र। ये दो युद्ध अभ्यास है किसके साथ? रूस के साथ। रूस से एक वो मिसाइल लगी S-400, ये एग्जाम में आया हुआ है, एंटी मिसाइल सिस्टम। किससे खरीदा गया है? ये रूस से खरीदा गया है। भारत S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम किससे खरीदा है? रूस से। भारत के साथ युद्ध अभ्यास कौन से होते? इंद्र, एविया इंद्र ठीक है। मॉस्को राजधानी, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और पीएम कौन है? मिखाइल मुजिस्किन ठीक है। रूस की हम बात कर ले तो एक मिसाइल है सुपरसोनिक मिसाइल। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है आप भी पूछ ले। तो वो कौन सी है? ब्रह्मोस। कौन सी है? ब्रह्मोस ठीक है। कौन सी है? ब्रह्मोस। बात समझ में आ रही? ब्रह्मोस। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये तो हो गया इसका डाटा, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ? दो कौन से देश मिलकर विकसित कर रहे हैं? तो चीन है और रूस है। चीन की राजधानी ये लिख दी मैंने, ये युद्ध अभ्यास है ठीक है। और राष्ट्रपति की बात कर ले तो कौन है? सी जिनपिंग ठीक है। सी जिनपिंग देखो, अब मुद्रा क्या चलती है? रेनमिनबी। पहले क्या थी? युआन। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है एक और देश है जिसकी वो मुद्रा क्या है? रूबल। तो कमेंट बॉक्स में लिखो वो कौन सा है। उसकी मैं हिंट भी करूँ तो उसमें अभी पीछे क्या लिखा है? रूस लिखा है। क्या लिखा है? रूस लिखा है। एक सेकेंड, कोई ना कोई आता रहता। चलो हटा दें।
अब एक अच्छी बात करेंगे, हाल ही में आप दूसरे देशों की बात कर लेते हैं, उसमें क्या है, एक है निकोल इनिशियम, नाम ऐसे होते हैं जो हमें याद करने में दिक्कत आती है, ठीक है, नाम ऐसे होते हैं, एक सेकेंड देखिए, ये नए प्रधानमंत्री बने, क्या बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने किस देश के बने हैं, आर्मेनिया, किसके बने हैं, आर्मेनिया, जिसकी राजधानी क्या है, यरवन, और यहाँ पर क्या चलता है, ड्रम, मुद्रा क्या है, ड्रम। वैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बहुत कम ही पूछे आते हैं, चर्चा में होंगे तो पूछ लिए आते हैं, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन से उद्देश्य था कि आप इसकी राजधानी और मुद्रा याद करें, क्योंकि एक नंबर की तो ये तो पूछ लेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन राजधानी और मुद्रा तो याद रहनी चाहिए। निकोल पिनिशियन ये किस देश के प्रधानमंत्री बने, आर्मेनिया, जिसकी राजधानी है यरमन, और यहाँ पर क्या चलता है, ड्रम चलता है, सही है। एक है WWF फ्रंट लाइन पुरस्कार, WWF फ्रंट लाइन पुरस्कार, ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, ठीक है, WWF फ्रंट लाइन पुरस्कार किसे दिया गया, ये है उपासनी, ठीक है, पूरा नाम क्या है, उपासनी, सही है, ठीक है, उपासनी, WWF फ्रंट लाइन पुरस्कार किसे दिया, उपासना कामिनी, कामिनी है, कामिना कर दिया हमने, ठीक है, इसे दिया गया वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड फंड की तरह जो होता है, मतलब वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये कौन है, पर्यावरणविद बोलते हैं ना, पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट जो होते हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं, और यदि पर्यावरण की बात कर लें, पर्यावरण के क्षेत्र में किस देश के साथ हुआ है, कल भी बताया था, ये क्या है, भूटान के साथ हुआ है, और ये कृषि कृषि संबंध क्षेत्र में किसके साथ हुआ है, फिजी के साथ, ये कल का है, बार बार रिपीट कराता हूँ, भूटान की क्या है, राजधानी थिम्पू है, और यह क्या है, निगल ट्रम, और फिजी की क्या है, राजधानी सुगा, और यहाँ पर क्या चलता है, डॉलर, बासना डॉलर। तो ये रहा आज का सेशन, जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप लिखें, आपको कुछ नया लगता है वो लिखें, नहीं तो आप वीडियो देखो, मैं बार बार रिपीट इसलिए कराता हूँ याद हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर का यही है कि आप बार बार रिपीट करेंगे तभी वो याद होगी, नहीं तो आप गैप कर दीजिए, जितना याद था वो भी चला गया, और फिर ठीक है, पुरानी चीज़ें एक बार फिक्स हो जाती वो नहीं बदलती, नहीं कि करंट अफेयर बार बार हमें अपडेट करना पड़ता है, उसके लिए कुछ नहीं होता, आपको रिविजन ही करना है, जो कि मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।